बाराबंकी से अगली खबर, जहां पर पुलिस के तीन सिपाही फिरौती और अपहरण में लिप्त पाए गए हैं। मामले में तीनों सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी की तैयारी भी हो रही है। फिरौती ना देने पर अफीम तस्करी में जेल भेजने की धमकी दी थी। फिरौती और अपहरण पर सख्त यहां पर नजर आए हैं बाराबंकी के एसपी। बाराबंकी के कोटी थाने में सीओ ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को मसौली थाने के मुलीगंज निवासी राहुल सिंह को चार सिपाहियों ने अपहरण कर उनसे फिरौती मांगी थी। फिरौती ना देने पर मार्फिन और अफीम में फंसाने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत राहुल ने एसपी अरविंद चतुर्वेदी से की थी। मामले का संज्ञान लेते हुए कोटी थाने में तैनात सिपाही जमाल नीलेश सिंह और अमित सिंह साथ ही आशीष तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सीओ पंकज सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। जांच में तीन सिपाही दोषी पाए गए, जबकि एक सिपाही अमित सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उन्हें बरी कर दिया गया। तीन सिपाहियों के खिलाफ कोटी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब माना जा रहा है कि गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। शिवम जायसवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आखिरकार ये जो तस्वीरें हैं, ये जिस तरीके की खबर है, यही खबर तो पुलिस पर भरोसा कम कर देती है। अब तक क्या हुआ है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल बाराबंकी जनपद की बात की जाए तो अरविंद चतुर्वेदी के आने के बाद जो पुलिस महकमा है वो काफी सुधरा है। और मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस के तीन सिपाही हैं जो फिरौती और अपहरण मामले में लिप्त मिले थे, अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और बाराबंकी के जो अरविंद चतुर्वेदी है वो फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो मामला है वो 16 अक्टूबर का है, मसौली थाना क्षेत्र के मूलीगंज जो गाँव है वहाँ के एक निवासी राहुल सिंह, उनको चार सिपाहियों ने अपनी प्राइवेट कार में जबरन बिठा लिया था और उसके बाद उनको 3 दिन कोठी थाने में रखा था। राहुल का आरोप है कि एसएचओ जो कोठी हैं शैलेश यादव, इनके मौजूदगी में 3 लाख रुपए की डिमांड की गई, 5 की डिमांड की गई, जिसमें से 2 से 3 लाख रुपए इनको दिए गए और उसके बाद जो है इनको छोड़ा गया। और छोड़ने के बाद राहुल ने जो है एसपी साहब को शिकायती पत्र देकर इस पर जांच कराने की बात कही थी, तो एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने इसकी जांच सीओआरएफ घाट को सौंप दी थी। अब जो सीओआरएफ घाट, उन्होंने अपनी जांच में इनको दोनों को, तीनों जो चार सिपाही थे इनमें से तीन सिपाही जो है उनको दोषी पाया और एक सिपाही जो है उसको साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया है, लेकिन जो तीन सिपाही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, ये लगातार जो बाराबंकी में वसूली की खबरें आया करती थी और इसके बाद जो ये कार्रवाई हुई है शायद एक नजीर देने की बात कही जा सकती है कि इस मामले के बाद जाहिर तौर पर शिवम बेहद जरूरी है कि इस तरह की कार्रवाई हो, ताकि एक परसेप्शन लोगों के बीच में क्रिएट हो कि अगर ऐसे लोग पुलिस के विभाग के अंदर काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई पुलिस करती है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।